20 इयर्स के 20 के आसपास आप हो, तो सबको कह रहा हूं, लड़कों को लड़कियों को, दो तरीके हैं अपनी लाइफ जीने के। पहला तरीका मैं बताता हूं आपको, आप 20s में हो, ये तो जवानी के दिन है, ये तो हंसने खेलने के दिन है, छोड़ो पढ़ाई बढ़ाई, ऐश करो, ठीक है, ये तरीका है, कर सकते हो, खूब ऐश करो, दिन में 10 सेल्फी लगाओ इंस्टाग्राम पे, लाइक्स गिनो बैठ के सारा दिन, क्योंकि भाई लाइक तो मेरे 25 लाइक आ गए, मेरे 75 लाइक आ गए, पार्टी करो रोज, दारू पियो, ठीक है, नहीं नहीं सुनो, अभी सुनो, पार्टी करो, मार्क्स वार्क्स एंट्रेंस एग्जाम छोड़ो यार, कुछ ना कुछ तो लाइफ में हो ही जाता है, ये पापा मम्मी बकवास करते रहते हैं, ये रिलायबल क्लासेस वाले क्या बोल रहे हैं यार, मेरी एज है, मैं एंजॉय कर रहा हूं, एंजॉय करने की एज खुद की चली गई, अब मेरे से जेलस हो रहे हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं उनके साथ पार्टी करना चाहता हूं, खूब पार्टी करो, टीवी देखो 6-7 घंटे रोज, यूट्यूब पे 3 घंटे दिन चैक वीडियो के वीडियो देखो, सो जाओ 12 बजे उठो, ये लाइफ है, सब लोग इसीलिए जीना चाहते हैं ना, कि ऐश करेंगे, हम अभी कर रहे हैं, लोग पागल हैं जो इतना करियर बना रहे हैं, हमने तो खुद ही जीवन का मंत्र सीख लिया है कि टेंशन नहीं लेने का, ऐश करो, ये कर सकते हो आप, करो, ठीक है, पूरा 20s ये करो, ठीक है, फिर पता क्या होगा, फिर आप 30 के हो जाओगे, रोक नहीं पाओगे, सब हो जाओगे 30 के, फिर आपके पास 20s का बिल आएगा, फिर आपके सारे दोस्त जिन्होंने करियर की प्लानिंग की होगी उनकी अच्छी नौकरियां लग गई होंगी, आपके पास नौकरी नहीं है, आप 30 के हो गए, आपके मम्मी पापा जाके हाथ जोड़ रहे होंगे, भाई मेरे बच्चे की नौकरी लगवा दो, आप खुद जाके बोलोगे मेरी कोई तो जॉब दे दो यार, जैसे तैसे कुछ भी कर लूंगा, क्योंकि 30 का हो गया हूं, अब क्या करूं, तो 30 में आप जैसे तैसे नौकरी लोगे, फिर आप शादी वादी कर लोगे, प्यार हो जाएगा आपको, बच्चे पैदा हो जाएंगे, आप 40 के हो जाओगे, आपके पास कोई पैसे नहीं बचे होंगे, क्योंकि आपने तो बड़ी सिंपल सी नौकरी की थी, आपके पास अच्छी नौकरी तो थी नहीं, तो एट 40 पे आपके पास कोई पैसे नहीं है, और बच्चे जा रहे हैं स्कूल, स्कूल की फीस बढ़ते जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, बच्चे हैं तो घर बड़ा चाहिए, 40s में आप लोन लोगे कि मैं घर ले लूं, उसकी EMI चल रही है, तो अब आपके पास उधार भी चढ़ गया है, फिर आप 50 के हो जाओगे तो अभी भी उधार चढ़ा हुआ है, पैसे जीरो हैं, फिर आप बुड्ढे होने लग रहे हो, फिर आपकी वो जो जॉब है वो भी चली जाएगी, फिर आप रिटायर हो जाओगे, रिटायरमेंट के पास आपके पास पैसे नहीं है, अपने बच्चों के आगे हाथ फैलाओगे, राइट, बीमार हो गए तो टेंशन करोगे, मेरे पास डॉक्टर के अच्छे इलाज कराने के पैसे नहीं है, बेकार हॉस्पिटल्स में जाके लाइन में लगे रहोगे, जैसे तैसे 60, 70, 80 होके वेट करोगे, मरना है, ये एक जीने का तरीका है, पर 20s में आपने ऐश किया है, समझे, उसके बाद बिल देते रहोगे पूरी लाइफ, लेकिन 20s में बॉस क्या हमने इंस्टाग्राम पे फोटो लगाई, जब हॉस्पिटल का इलाज देने के पैसे नहीं होंगे तब ये याद करना कि मैंने तो लेकिन इंस्टाग्राम की सेल्फी तो बड़ी अच्छी थी यार, ये कर सकते, ये है प्लान ए, या दूसरा प्लान बना लो, प्लान बी, कि बॉस मैं मेहनत करूंगा 20 से 30 जम के, इतनी मेहनत करूंगा जितनी कि मैंने आज तक कभी की नहीं, क्योंकि मुझे बेस्ट जगह जाना है, और अभी मौका है, अभी वो ले रहे हैं, अभी एग्जाम हो रहे हैं एंट्रेंस, आप 40 पे थोड़ा ना दे सकते हो, अभी मेरे को अच्छी जगह जाना है, अच्छी पोस्ट लानी, जो भी आपका सपना है वो मेरे को करना है, वो मैं करूंगा, और फिर मेरी जब सिक्योर जॉब लग जाएगी, फिर मैं मनी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, घर वर ठीक हो जाएगा, 30s में मैं पैसे सेव करूंगा, आप 30s में पैसे सेव करोगे, अपने एसेट्स बनाओगे, म्यूचुअल फंड्स लोगे, घर लोगे, वो इन्वेस्ट करोगे, वो और पैसा बना के आपको देंगे, FDs से आपको इंटरेस्ट आएगा, आप 40s में पहुंचोगे, आपके खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन आपके पास इनफ पैसे हैं, सब कुछ हो जाएगा, 50-60 तक वो पैसे और जाएंगे, फिर आप रिटायर भी होगे तो आपके पास इनफ है, आपको किसी के मोहताज नहीं हो, आपको अगर कोई मेडिकल होगा तो आप बेस्ट हॉस्पिटल जाओगे,
आप ट्रैवल करोगे, आप दुनिया घूमोगे, मरोगे फिर भी, मरना सबको है, एक लाइफ ये भी हो सकती है। अब आपको चुनना है कि ऐश वाली लाइफ 20s वाली चाहिए या 20s के रगड़े वाली लाइफ चाहिए। कहने की बात यह है कि ये जो 20 का साल है ना, दशक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 30 से 70 तक या तो इसका आपको इसका फल खा सकते हो आप, या 30 से 70 तक आप इसका बिल भर सकते हो। अब एज जवानी की है, एज ऐसी है कि लगता है कि यार सब मस्ती भी अभी करनी है, तो समझ नहीं आता क्या करना है। इसलिए मैं आपको क्लियर करके दे रहा हूं, क्योंकि मैं अभी 44 का हो जाऊंगा, और अब मैंने रियलाइज किया कि यार ये मेरे जितने बैचमेट्स, जितने स्कूलमेट्स, जिन्होंने 20s में रगड़ा खाया वो अभी टेंशन फ्री है, और जिन्होंने खूब ऐश की उस टाइम पे, खूब घूमे बाइक्स पे इधर उधर, वो आज भी धक्के खा रहे हैं और धक्के खाते रहेंगे, अब कुछ नहीं कर सकते। सो दिस थिंग इज द फर्स्ट थिंग आई लर्न्ड, राइट, विच मैं आपको डराना नहीं चाहता लाइफ के बारे में, पर जीवन में कष्ट तो है, ये तो गौतम बुद्ध ने कहा है, मैंने नहीं कहा। लाइफ इज सफरिंग। जीवन में आप सोचते हो ना कि यार हम लोग ये चाहते हैं कि कष्ट ना हो, मेहनत करने में कष्ट होता है, चाहे वो पढ़ाई की हो, चाहे वो जिम जाना हो, चाहे वॉक पे कुछ भी करना हो, वो कष्ट कष्टदायक चीजें हैं। हमें लगता है पेन ना हो, कष्ट ना हो, और हम कैसे तैसे अपनी लाइफ गुजार लें। पर जो आदमी एक्सरसाइज नहीं करता उसकी हेल्थ खराब हो जाती है, तो वही ऐश जो उसने करी वही उसको बाद में दुख देती है। हमें लगता है कि एक घर हो जाए बड़ा मजा आ जाएगा यार, आप घर लेते हो, वही घर जो आपको सुख देता है एक दिन उसका फ्लश खराब हो जाता है तो आपको दुख भी देता है। जो चीज लाइफ में आपको खुशी देती है वही चीज आप देखो दुख भी देती है। आप 20s में ऐश करोगे वो बाद में आपको दुख होगा, और जो चीज आपको दुख देती है वो बाद में सुख भी देती है। ये 20s में कोई नहीं बताता, ये बात लोग समझते हैं 70s में जाके बाबा वगैरह के साथ बैठ के, तब इस ज्ञान का कोई फायदा ही नहीं है, तब वैसे ही मरना है, अब क्या फायदा हुआ सीखने का। स्पिरिचुअलिटी वगैरह मेरे को लगता है पहले सिखानी चाहिए, बाद में सीखते जाके, जब सब जिंदगी जी रही, जब बैठ के सारा दिन टाटा स्काई देखना है, अब क्या सीख रहे हो यार। सो कष्ट से मत डरो, ये मत सोचो कि यार मेरी लाइफ में तो बड़ा कष्ट है, ये एग्जाम मतलब का मैंने, क्योंकि आधा आपका माइंड उसी लिए भाग रहा है। आपको ये प्रिपरेशन नहीं करनी क्योंकि आपको लग रहा है कौन ये बेड़ा उठाए, मेरे को इससे दूर रहना है, लेकिन यही आपको सुख देगा बाद में। और जिस चीज से आप भाग रहे हो और वो आप सोच रहे हो कि आज मुझे सुख मिल रहा है, कि मुझे वो काम नहीं करना पड़ रहा, मेरे को 2 घंटे और सोने को मिल रहा है, मेरे को 2 घंटे और पार्टी करने को मिल रहा है, वो आपको कल दुख देगा, ये चीज जरूर याद रखना है। एंड ये बहुत लोग गलती करते हैं और फिर सोचते हैं यार जीनियस इसका होता है, इस एग्जाम में ये सारे एग्जाम जो हैं ये तो बड़े लोग जीनियस होते होंगे, ऐसा कोई जीनियस नहीं है। सर से पूछो कितने ऑर्डिनरी बच्चों का, वो कितने बच्चों का लगता है कोई चांस नहीं है होने का, बस उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे करना है। आधी प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो जाती है जब आप मन से कहते हो कि मुझे करना है। तो अगर यहां आ ही गए हो, इस फंक्शन में आप आ ही गए हो, तो सोच लो कि मुझे करना है, मेरे को ये 10 साल जो है आगे के वेस्ट नहीं करना, चाहे आप मेरी सुनो या किसी और की सुनो, बट वेस्ट मत करना ये टाइम, क्योंकि ये टाइम निकल जाता है, जैसे सैंड ग्लास होता है ना, ऊपर से रेत गिरती रहती है, ये रुकेगा नहीं, ये चला जाएगा, पिक्चरें देखते देखते भी जा सकता है और पढ़ाई करते करते भी जा सकता है। पढ़ाई करना थोड़ा कष्ट है, लेकिन फिर 50 साल आपको बिल देना है या 50 साल आपको फल खाने हैं, आई थिंक आंसर बहुत क्लियर है।